अब यहाँ पे वो ला रहे हैं चीफ जस्टिस हाईकोर्ट लाहौर ने आईजी साहब इस्लामाबाद और पंजाब को भी बुलाया है अपने पास, लेकिन वहाँ पे इन्होंने कंटेम्प्ट किया है और फवाद साहब को पेश नहीं किया है। अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो जैसे ही आते हैं तो अब देखते हैं उनका रिमांड लेते हैं या उनको जुडिशल करते हैं। और मेरी अभी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही इल्तजा है कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। जब इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट ने उनको बुलाया है तो वहाँ पर उनको पेश क्यों नहीं किया, उनको क्यों रखा गया है, उनको इलीगली क्यों इस्लामाबाद लाया जा रहा है। पहले आप लोगों ने उन्हें इलीगली घर से उठाया, अबडक्ट किया, एक घंटे के बाद आप उनकी एफआईआर मीडिया के ऊपर देते हैं कि जी एफआईआर हो गई है, और उसके बाद वो उसको उनको पकड़ के गायब कर देते हैं 3 घंटे के लिए, और पता ही नहीं कि किस जगह पर उनको छुपाया है, और फिर उनको दहशत गर्दों की तरह उठा के अदालत में पेश कर देते हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर जो भी हमारे मेन इंस्टीट्यूशंस हैं इसके ऊपर सोमोटो लें और प्लीज़ उनको इंसाफ दिलाया जाए। वो मुजरिम नहीं है जिस तरीके से उनको उनको लाया जा रहा है, उनको जिस तरीके से मोटरवे पे लाया जा रहा है, इतनी गाड़ियों में बंद करके लाया जा रहा है। मेरी मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको चलाएँ और प्लीज़ रिक्वेस्ट करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ऊपर सोमोटो लें इस केस के ऊपर। थैंक यू। मैं बात करना चाहूँगा आज आ जाओ बेटा, पता नहीं चल रहा बंदा कौन बात कर रहा है, आप लोग एम ही बस जी स्टार्ट करें सर, जी स्टार्ट करें सर, जी स्टार्ट करें। हमें आप जगह नहीं दे रहे हो, आप छोड़ दे बात कर लो, बात करें सर, आप शुरू करें। तमाशा बनाया हुआ है। आज सुबह से जो वाकयात आप देख रहे हैं, कल रात से जो कार्रवाई यहाँ हो रही है, ये उस फसाई हुकूमत का तसलसल है जो हम पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं। पहले शहबाज गिल, फिर आजम स्वाति और अब फवाद चौधरी। यानी कि जो भी आज़ाद आवाज़ है, जो जमहूरियत की आवाज़ है, जो हक की आवाज़ है, जो मुल्क की बेहतरी के लिए तनकीद करने का हौसला रखती है, उस आवाज़ को फस्ताई हथकंडों से दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब किसी इदारे के ऊपर बात हो तो कहते हैं कि ये मुल्क के खिलाफ बात होगी। इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि उसकी तोहीन हो गई है। अदालतें जो हैं, अदालतें जो हैं वो कहती हैं कि मुजरम को या मुलजिम को पेश किया जाए, वो पेश नहीं होता। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि ना किसी कानून का पता चल रहा है, ना किसी आईन का पता चल रहा है, और एक अजीब मारामारी का और एक नफसा नफसी का एक आलम है। मैं ये कहना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन को भी कि जो इदारे होते हैं वो अपने कॉन्डक्ट से अपनी इज्जत कराते हैं, अपनी तकरीम कराते हैं, और अगर इदारे अपना काम ठीक करें तो सब उनकी इज्जत करते हैं। और इदारों के ऊपर अगर कोई मुस्बत तनकीद हो तो उसको जाती तनकीद में नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ पर हम यहाँ मौजूद हैं, उम्मीद है कि कुछ ही देर में फवाद चौधरी साहब को यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या कानून और आईन के मुताबिक मामलात आगे बढ़ते हैं या फिर वही मैं ना मानूं वाली बात होगी। शुक्रिया। जी अपना
तौहीने अदालत है जी, हम कंटेम्प्ट करेंगे लाहौर हाईकोर्ट में, और आई एम श्योर कि अभी भी आईजी साहब को उन्होंने यही कहा है कि फवाद चौधरी साहब को वहां पे पेश किया जाए, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो इस्लामाबाद का केस है तो हम वहाँ पेश करेंगे, लेकिन क्योंकि फाइल पहले केस वहाँ हुआ है तो वहाँ पे इनको पेश करना चाहिए, और हम कंटेम्प्ट इंशाल्लाह हमारी लीगल टीम जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है, एंड वी गोइंग टू फाइल अ कंटेम्प्ट आल्सो। नहीं जी, आपको वीडियो देखी है आपने, आई थिंक मीडिया के ऊपर रिलीज हो गई है दैट ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो, जिसमें आपने देखा है हमारे घर के अंदर जिस तरीके से वो घुसे हैं, उसको आप अरेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई वारंट दिखाया है, ना उन्होंने कोई हमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाया है सर्च वारंट, और जबकि घर के अंदर खवातीन मौजूद हैं तो आप लेडी पुलिस के बगैर आप घर के अंदर नहीं एंटर हो सकते, और उसके बाद आप हमारी गाड़ी की चाबी उठा के फेंक देते हैं कि हम आपको फॉलो ना करें, और उसके बाद आपका जो दिल चाहे आप उनको ले जाएं। हर चीज हमने मीडिया को प्रोवाइड कर दी है, जो स्टेटमेंट्स हैं हर चीज सुबह से लेके 5 बजे से लेके अब तक हमारी एक ही बात है कि उनको अबडक्ट किया गया है, इट्स इज नॉट एन अरेस्ट, क्योंकि अभी तक उनकी अरेस्ट कोसार थाने में नहीं डाली गई है। इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट बुला रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग देम ओवर देयर, रोडों के ऊपर घुमाई जा रहे हैं और अब उनको यहाँ पे पेश करेंगे। देख लें, हम तो यही कहेंगे जी आइन के तहत फैसला करें, लेकिन अल्लाह करे अब आइन के तहत यहाँ पे फैसला हो या नहीं होता तो वो आप लोगों के सामने है। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती कि फवाद चौधरी साहब को रात अगवा किया गया और अभी तक उनको हबसे बेजा में रखा हुआ है, और ये अदालती फैसला जो लाहौर हाई कोर्ट का है उसकी भी नफी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब फवाद चौधरी साहब को 6 बजे तक अदालत में पेश करें। ये कानून का मजाक है। फवाद चौधरी की आवाज़ आज खैबर से कराची तक हर तहरीक इंसाफ के कारकुन की आवाज़ है। आज पूरी कौम सरापा एहतजाज है। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं, अवामी समंदर और ये गुस्सा और इमरान खान की मकबूलियत अन करीब इंशाल्लाह इनको उड़ा कर ले जाएगी और इनको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। ये जितना भी भागें, इलेक्शन से भागें, असम्बलियों से चोर दरवाजे से आएँ, इम्पोर्टेड हुकूमत से आएँ, लेकिन 10 महीनों में आपने देखा कि ये इस मुल्क के कोई खैर खां नहीं है। इन्होंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, अपना NRO लिया, और इलेक्शन कमीशन तो शुरू से जानिबदार है। फवाद चौधरी साहब ने ऐसी क्या बात कर दी थी तो जो फौरन वो घबरा गए। चौधरी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो हमने तो बदतरीन मार्शालाओं में भी इस तरह नहीं देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जाग गए हैं। अवाम को इमरान खान ने जो शऊर दिया है, जो खौफ का बुत तोड़ दिया है, अब आप देखेंगे इंशाल्लाह अवामी समंदर होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। अदालतों से हमारी अपील है, अदालत आलिया से अपील है, अदालत उज़्मा से अपील है कि फौरन नोटिस लें और फवाद चौधरी साहब को रिहा करें, और जिस तरह फवाद चौधरी साहब के साथ कानून का जो मजाक उड़ाया गया है इसके ऊपर फौरी एक्शन लें, और फौरन दोनों गवर्नर जो असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। इस मुल्क की जो मईशत को दलदल में आपने धकेल दिया है, इसका एक ही हल है कि सियासी इस्तेहकाम आए और वो इलेक्शन के जरिए आएगा, और इंशाल्लाह रोज़े रोशन की तरह आया है। ये साफ नजर आ रहा है कि जब भी आप इलेक्शन कराएंगे इमरान खान और तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत कर इंशाल्लाह दोबारा आएगी। इमरान खान आज